हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा मनोज ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और मैं रेखा आप सभी का स्वागत करती हूँ दिल से, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। ब्लॉग आज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आई होप कि सब अच्छे होंगे। और प्लीज़ प्लीज़ आप ब्लॉग को पूरा देखिएगा, और जो भी मेरे चैनल पर नए आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं लेकर आती हूँ आप सभी के लिए बहुत ही यमी यमी सी रेसिपी और अपनी स्किल्स और ब्लॉग, डेली ब्लॉग। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कुछ भी मेरे चैनल में आपको कमी नज़र आती है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज का ब्लॉग करती हूँ शुरू, और आज का ब्लॉग है मेरा रूटीन का। तो सुबह मॉर्निंग से और आफ्टरनून का रूटीन है मेरा, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा रूटीन आप लोगों को कैसा लगा है। तो रात ना गाइस, मैंने ये देखिए डोसे के लिए थोड़ी सी दाल भिगो के रख दी थी, तो ये मूंग की और उड़द दाल है छिलके वाली, तो मैंने इसको धुल लिया है अच्छे से। और यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ नारियल की चटनी, तो मैंने ली है एक प्याज और नारियल का छिलका, मैं अभी ये उतार दूँगी, भूल गई थी उतारना। तो यहाँ पर लहसुन की कलियाँ और हरी मिर्च को मैंने अच्छे से पीस लिया है, उसके बाद थोड़ा सा लेमन और ये देखिए थोड़ा सा नमक डाल के इसको और अच्छे से पीस लिया है। और ये जितनी बारीक होती है उतनी अच्छी लगती है, तो मैंने थोड़ी थिक रखी है, पतली नहीं करी है। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पोहा है ये, तो पोहा को मैं दाल में डाल के पीस लूँगी, बहुत ही अच्छा क्रिस्पी डोसा बनता है इससे। और नारियल की जो चटनी थी ना, उसको मैंने करी पत्ता और राइस से छौंक दिया है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पे थोड़े से आलू भी छौंक लिए हैं मैंने, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, करी पत्ता, राई डाल के, और थोड़ी सी रेड चिली डाल के और हल्दी डाल के। और उसके बाद मैंने देखिए पैन रख दिया है डोसा बनाने के लिए, और डोसे के बैटर में मैं थोड़ा सा नमक डाल दूंगी, क्योंकि बाबू जो है वो सिर्फ डोसा ही खाता है। और यहाँ पे एक चम्मच मैंने इनो डाल दिया है, तो इनो डालते ही इस बैटर को जल्दी से बनाना होता है, नहीं तो ये ख़राब हो जाता है, जैसा कि देखिए ये हो गया है ख़राब। तो इससे पहले कभी मेरा डोसा ख़राब नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास बेबी नहीं था छोटा, तो जैसे ही मैं डोसा बनाने लगी ना, बाबू उठ गया था और उसने रोना शुरू कर दिया था, तो बस लग गई उसी के काम में। तो छोटे बच्चों के तो कितने सारे काम होते हैं गाइस, तो बस उसी में फिर मुझे ये सब छोड़ना पड़ा, और बाद में फिर ये ख़राब हो चुका था, तो मैंने फिर थोड़ा सा इसको अपने तरीके से बनाया। तो देखिए बाद में ना फिर मैंने ये चीला टाइप, मतलब इस तरह से मैंने बनाए, बहुत ही मुश्किल से ये बने फिर, क्योंकि डोसे का जो बैटर है उसमें इनो डालने के बाद जो एयर आ जाती है ना, वो ज़्यादा टाइम के बाद निकल जाती है, तो मुझे 20-30 मिनट लगभग उसी में हो गए थे। तो मैं फिर उसको निलाने में लग गई थी, और छोटे बच्चे होते हैं तो ऐसे ही होता है गाइस। बहुत मन था मेरा आप लोगों से डोसे की रेसिपी शेयर करने का, पर नहीं कर पाई। और बाद में जो नाश्ता मैंने बनाया था ना, वो भी बहुत ही अच्छा लगा था, एकदम चीला टाइप और एकदम ऑमलेट जैसा टेस्ट आ रहा था, जो मूंग की दाल मैंने उसमें पीसी थी। फिर नाश्ता करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी अपना कपड़े धुलने के लिए, तो बाबू को नहलाने के बाद मेरा ये रोज़ का रूटीन होता है, मैं रोज़ इसी तरह से जो डेली के कपड़े होते हैं वो मैं हाथ से ही धो के डाल देती हूँ, लेकिन पानी ख़त्म हो गया था टैंक का, तो अब पानी का इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक मैं थोड़ा सा डस्टिंग कर लेती हूँ, नहीं तो मैं पहले कपड़े धोती हूँ उसके बाद डस्टिंग करती हूँ, क्योंकि सुबह को मेरा ये सब काम नहीं हो पाता है गाइज। सुबह मैं मैं बहुत फास्टली साफ़ सफाई करती हूँ, तो जब बाबू नहा लेता है तो नाश्ता करने के बाद मेरा जो रूटीन है तब शुरू होता है मॉर्निंग का रूटीन। तो बस यहाँ पर जो कपड़े सुखा के मैंने रखे हुए थे वो मैं कवर्ड में लगा रही हूँ, तो एक कवर्ड मेरी है, एक ध्रुव की है, एक ध्रुव के पापा की है। और यहाँ पे देखिए बेड भी सब ऐसे ही फैला पड़ा है, तो बेडशीट को भी मैं रोज़ ही सही करती हूँ, ये मेरा रोज़ का काम है, क्योंकि जो बेड का गद्दा है वो ध्रुव के पापा ले जाते हैं यहाँ से, और वो बाहर बिछाकर सोते हैं, तो वो ऐसे ही फिर सुबह को जल्दीबाजी में डाल दिया जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे धूल बहुत आती है, तो ये धूल मैं रोज़ तीसरे दिन या चौथे दिन इसको मैं डस्ट को यहाँ से डस्टिंग करती हूँ, क्योंकि यहाँ पास में ही जो है ना, यहाँ वो बना हुआ है एक होल सा मेरे कमरे के ऊपर, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा धूल आती है। और डस्टिंग मेरी हो गई थी तो मैंने सब शॉर्टली दिखाया गाइस, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो इसलिए सब फास्टली दिखा पाती हूँ, जल्दी जल्दी दिखाती हूँ, तो मतलब आराम से दिखाती तो आप लोगों को फिर इतना लंबा वीडियो देखने में बोरिंग हो जाता बहुत ज़्यादा। तो पोछा मेरा लग गया था, तो फिर मैंने मोटर चलाया,
पानी तो आया नहीं क्योंकि फिर बादल हो जाते हैं, बारिश रुकी हुई थी, तो मैंने सोचा पानी अभी मैं कपड़े डाल देती हूँ। तो फाइनली मैं छत पे जो बाबू के कपड़े मैंने धोए हुए थे, और मेरी जो ये बेडशीट है ना ये तो रोज़ ही धुलती है, और रोज़ नहीं दिन में कभी दो बार भी धुल जाती है, क्योंकि ध्रुव जो है सोता है तो वो सोते सोते कई बार सुसू कर लेता है। और फिर मैं उसके बाद यहाँ पर फूल दिखा रही थी आप लोगों को, हमारे यहाँ पे देखिए गुड़हल के फूल खिले हुए थे, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था, बारिश रुकी हुई थी, तो मैंने सोचा दिखा देती हूँ। और फिर उसके बाद मैं नीचे आ गई थी, तो नीचे देखिए सारा मेरा यही घर है, और मैं हाउस टूर की वीडियो भी लेकर आऊँगी। और ये देखिए मैंने कवर मंगाया था मशीन का, बहुत ही अच्छा मुझे लगा मीशो से, बहुत ही सस्ता पड़ा है गाइस। तो फाइनली जो मेरी क्लीनिंग थी वो सारी हो गई है, तो अब मैं जाऊँगी किचन में और देखूँगी क्या बनाना है, क्योंकि आज मैंने बहुत फास्टली काम किया है। तो अभी बाबू आ जाएगा तो उसको पहले सुलाऊंगी मैं, और उसके बाद यहाँ पे देखिए बाबू आ गया था, तो जैसा कि सब जानते हैं कि मैं इसे अक्सर झूला झूला कर ही सुलाती हूँ, तो ये आज दूध पी के सो गया क्योंकि थका हुआ था तो इसलिए, और काफ़ी जल्दी उठ गया था सुबह तो आज जल्दी सो गया। तो जब बाबू जल्दी सो जाता है तो मैं अक्सर अपना जो सिलाई का काम होता है ना वो निपटा लेती हूँ, थोड़ा बहुत मेरा ही पड़ा होता है वो निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि सब जानते हैं कि अभी तीज आने वाली है, तो मैं तीज के लिए जो शॉपिंग करके साड़ी लेके आई थी, तो वो साड़ी का ब्लाउज अभी कुछ काम अधूरा पड़ा हुआ था, तो वो आज सारा हो गया है, बस इसमें आई बटन लगने को रह गए हैं और तुरपन होने रह गई है, तो ब्लाउज मेरा सिल के बिल्कुल रेडी है, और प्रेस वगैरह मैं कर लूँगी बाद में। तो सिलाई का काम भी मेरा ख़त्म हो गया था, और साथ साथ में जो कटहल था वो भी मैंने तैयार कर लिया। देखिए यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ सूखी कटहल की सब्ज़ी। तो अभी बजा हुआ है दोपहर का एक, और हम लोग लंच करते हैं, एक बजे के बाद ही हम लोग लंच करते हैं, तो आज हम थोड़ा सा लेट करेंगे लंच, क्योंकि आज हस्बैंड जी थोड़े से लेट आएंगे, तो हम 2 से 2:30 बजे के बीच में लंच कर लेंगे, नहीं तो हम 1 बजे के बाद और 2 बजे से पहले कभी भी लंच कर लेते हैं, तो आज थोड़ा सा लेट हो जाएगा। और ये जो लंच है जो मैं बना रही हूँ यही हम लोग डिनर में खा लेंगे, क्योंकि ये काफ़ी सारा हो जाएगा, और फिर सब्जी जो है कटहल की जो सब्ज़ी है ना, तो इसको शौक मैं ही खाने का, इसके पापा नहीं खाते हैं। तो आज मैंने बहुत कहा तो मेरे कहने पर, क्योंकि मुझे कटहल की सब्ज़ी बहुत पसंद है और सूखी कटहल की सब्ज़ी तो बहुत ही ज़्यादा, तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल चिकन स्टाइल में सूखा कटहल बनाया है। तो यहाँ पे देखिए मैं भून रही थी, और मैंने कटहल को जो है ना वो हल्का सा बॉईल कर लिया था, क्योंकि अभी जो है कटहल है वो थोड़े से पके हुए से आ रहे थे, तो ये गलने में थोड़ा टाइम लेते हैं, तो मैं थोड़ा सा ऐसे खाना बनाती हूँ जो झटपट से बन जाए। और मैं थोड़ा सा ना टेस्ट करके देख रही थी, बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा था कटहल का, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से रेसिपी बनाई है। और यहाँ पे देखिए कटहल बन के बिल्कुल रेडी है, और बिना पानी से ही मैंने बनाया है, तो ये थोड़ा सा ना लग गया था नीचे से। और गाइस ये जो लगा हुआ कटहल है ना, तो ये कटहल सूखे कटहल की सब्ज़ी की पहचान होती है कि हमारा जो कटहल है वो बहुत ही बढ़िया बना है, क्योंकि ये क्रिस्पी हो गया है और बिना पानी के बना हुआ है, तो सोचिए कितना बढ़िया इसका टेस्ट आया होगा। तो जो लोग खाते हैं उनको तो पता ही होगा गाइस सूखा कटहल कितना टेस्टी लगता है, तो मैं तो खाती हूँ, और जब से शादी हुई है तब से कई बार खा भी लिया है, लेकिन इस सीज़न मैंने अभी दूसरी बार ही कटहल बनाया है, और बहुत ही टेस्टी बनाया है आज। आज जो कटहल बनाया ना मेरा बहुत ही अच्छा बना था, तो इसलिए लंच भी मेरा रेडी है, और ये देखिए फाइनल लुक मेरे कटहल का, बहुत ही बढ़िया एकदम क्रिस्पी और बहुत ही अच्छा लाजवाब खुशबू वाला कटहल बन के रेडी है। तो आ जाइए खाने के लिए, तो लंच बिल्कुल तैयार है, और हस्बैंड जी थोड़ा सा लेट आएंगे, तो अभी हम थोड़ा लेट करेंगे लंच। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को मैं टेस्ट करा रही थी, तो ये तो ये लीजिए, टेस्ट करके देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया, देखिए कितना अच्छा पका है, और एकदम इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी इसमें से, बहुत ही अच्छी। तो अगर आप लोग कहोगे तो मैं इसका ब्लॉग अलग से आपको शेयर कर दूँगी, और अभी मैं फुल रेसिपी शेयर करती, तो गाइज़ आप सब भी जानते हैं वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, फिर आप लोग बोर हो जाते हो, और अभी भी बहुत लंबा है, जो इतने बड़े ब्लॉग में बनाती नहीं हूँ, लेकिन आज रूटीन थोड़ा सा शेयर करना था तो ब्लॉग थोड़ा लंबा हो गया है, उसके लिए सॉरी गाइज़। तो प्लीज़ आप ब्लॉग को पूरा देखिएगा, और ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। तो मैंने थोड़ा सा टेस्ट करके देख लिया है आप लोगों की तरफ से, और मेरा जो कटहल है ना बहुत ही बढ़िया बना है, जितना मैंने एक्सपेक्टेशन की थी उससे भी कहीं अधिक ये बहुत टेस्टी बना है।
तो चलिए गाइस ब्लॉग का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, और ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए मिलते हैं। आज का मेरा रूटीन आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।